मॉर्निंग बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूँ। बच्चों, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोगों का जवाब होगा कि हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो बच्चों, हर जीव जंतुओं का अपना अपना एक घर होता है। जैसे सांप कहाँ रहता है? सांप बिल में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? चूहा भी बिल में रहता है। शेर गुफा में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो गिलहरी भी एक जीव है जिसका अपना एक घर होता है। जानते हो बच्चों, गिलहरी कहाँ रहती है? गिलहरी पेड़ पर रहती है। इस चित्र को देख रहे हो? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक पेड़ है, उस पर एक गिलहरी बैठी है। तो बच्चों, आज अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने गिलहरी के चुलबुलेपन के बारे में बताया है। अब मैं कविता पढ़ते हुए इसे समझाऊंगी। गिलहरी का घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देख भाल कर उसने पाया, खाली है उसका क्वार्टर। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक घर घर जाती। चिथड़ा गुथड़ा सुतली तार ले जाती जो कुछ पाती। ले जाती वह मुंह में दाबे, क्वार्टर में रख रख आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक वह गाती। चिथड़े गुथड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी, और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। बच्चों, कविता समझ में आया? इस कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि गिलहरी को अपना घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तथा अपना घर संवारने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कवि ने आपको यह भी समझाया है कि अपना भविष्य संवारने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात आप सबको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आप लोगों को इसका भावार्थ बताऊंगी। एक गिलहरी एक पेड़ पर अपना घर बना रही है। घर बनाते समय उसकी नजर पेड़ की क्वार्टर पर पड़ती है जो खाली पड़ा हुआ है। क्वार्टर का अर्थ होता है पेड़ का खोखला भाग। आप तो जानते ही हैं बच्चों कि गिलहरी कितनी चंचल और फुर्तीली प्रवृत्ति की होती है। एक घर से दूसरे घर इधर उधर फुदक फुदक कर जाती है, जहां उसे कुछ न कुछ जैसे फटे पुराने कपड़े, सुतली धागे, जो कुछ भी उसे मिलता है और अपने मुंह में दाबकर क्वार्टर में रख देती है। और क्वार्टर में इतने सारे सामानों को एकत्रित देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पुराने एकत्रित सामानों को क्वार्टर में फैलाकर उसे अपने दांतों से कुतरकर अपने बच्चों के लिए बिस्तर बनाने की सोचती है कि जब मेरे बच्चे होंगे तब मैं उन्हें उसी बिस्तर पर सुलाऊंगी और उनके बगल में लेटकर लोरी सुनाऊंगी। लोरी का मतलब होता है वह गीत जो माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। अब मैं श्वेत पट से आप लोगों को शब्दार्थ बताऊंगी। कोटर पेड़ का खोखला भाग, तागा धागा डोरी, चिथड़ा फटा पुराना कपड़ा।
अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से इस कविता को याद करते हुए शब्दार्थ भी याद करेंगे। धन्यवाद।